ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाली के सोजत रोड थाना क्षेत्र के बोरनड़ी में कुएं की खुदाई करते वक्त कुएं में गिरे नरेंद्र को निकालने का कार्य सेना, एनडीआरएफ और पुलिस के जवान और साथ ही ग्रामीणों की मदद से 12वें दिन भी जारी है। पुलिस उपाधीक्षक डॉक्टर हेमंत जाखड़ के मुताबिक रेस्क्यू अभियान में कुएं में जमा मलबा और पानी बाधा बना हुआ है। अब तक 130 फीट कुएं में मलबा निकाला जा चुका है, लेकिन अभी तक भी 50 फीट लंबा मलबा और पानी कुएं में जमा होने की वजह से नरेंद्र को बाहर निकालने में काफी बाधाएं सामने आ रही है। मोटर लगाकर जहां पानी को तोड़ा जा रहा है, तो वहीं मलबा निकालने को लेकर भी देसी जुगाड़ लगाए जा रहे हैं। 12वें दिन भी ये रेस्क्यू जारी है। तो ये तस्वीरें आपके सामने, मौके पर पुलिस भी मौजूद है, एनडीआरएफ की टीमें भी मौजूद है, साथ में ग्रामीण भी मौके पर लगातार मदद कर रहे हैं। लेकिन आज 12वां दिन है, अभी तक सफलता हासिल नहीं हुई, नरेंद्र को निकालने में अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। लगातार 12वें दिन भी ये रेस्क्यू जारी है, लेकिन कुएं में जमा मलबा और पानी उसे निकालने में बड़ी बाधा उत्पन्न कर रहा है और नरेंद्र को निकालने के लिए मिशन अभी भी जारी है, लगातार कोशिशें की जा रही है। आज 12वां दिन है और लगातार इस रेस्क्यू के जरिए कोशिश की जा रही है उसे बाहर निकालने की, लेकिन कुएं में जमा मलबा एक बड़ी बाधा उत्पन्न कर रहा है। प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि नरेंद्र को बाहर निकाला जा सके, लेकिन बहुत समय बीत चुका है, आज 12वां दिन है, लगातार अभी भी रेस्क्यू जारी है, लेकिन सफलता अभी भी हाथ नहीं लगी है। कुएं में जमा मलबा और पानी इसमें एक बड़ी बाधा उत्पन्न कर रहा है। मौके पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद है, साथ ही ग्रामीणों की मदद भी इसमें ली जा रही है, लेकिन अभी तक भी सफलता हासिल नहीं हुई है। ये रेस्क्यू अभी भी जारी है, लगातार 12वें दिन भी ये रेस्क्यू जारी है। बता दें, अभी भी 50 फीट लंबा मलबा और पानी कुएं में जमा होने की वजह से नरेंद्र को बाहर निकालने में काफी बाधाएं सामने आ रही है। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि मलबा बाहर निकालकर उसे बाहर निकाल लिया जा सके, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कुएं में जमा मलबा उसमें बाधा उत्पन्न कर रहा है। प्रशासन ने रेस्क्यू जारी रखा है और कोशिश की जा रही है कि उसे बाहर निकाल लिया जा सके, लेकिन अभी तक इसमें सफलता हासिल नहीं हुई, ये खबर पाली से बता रहे हैं। मौके पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, प्रशासन लगातार यही कोशिश कर रहा है कि उसे सकुशल बाहर निकाल लिया जा सके, लेकिन ये कहना मुमकिन नहीं है अभी कि आगे क्या होने वाला है, कब ये ऑपरेशन पूरा होगा, कब नरेंद्र को बाहर निकाला जाएगा और जब वो बाहर निकलेगा तो किस स्थिति में होगा, क्योंकि लगातार 11 से 12 दिन का समय अब तक बीत चुका है। सहयोगी सुभाष हमारे साथ जुड़े हुए। सुभाष, पूरा मामला क्या है? लगातार आज 11 से 12 दिन बीत चुके हैं, रेस्क्यू जारी है, लेकिन सफलता नहीं मिली है। ज्योति, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लगातार 12वें दिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सोजत रोड थाना क्षेत्र का बोरनड़ी गांव है, वहां पे 15 वर्षीय ये नरेंद्र नाम का बच्चा है, ये गिर गया था। उसको लेकर सेना, आरडीएफ और पुलिस के जवानों की मौजूदगी के अंदर कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके अलावा खास बात यह है कि 120 फीट मिट्टी और मलबा इस कुएं से निकाल दिया गया है, लेकिन जिस तरह से पानी और मलबे की मात्रा बढ़ी है, यही कारण है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार देरी होती जा रही है। उसको लेकर परिवार वालों की स्थिति खराब है, मां की आंखें पथराई हुई हैं। आज 12वां दिन है, बच्चे को लेकर वो लगातार चिंतित दिखाई दे रहे हैं। जिला कलेक्टर अंशदीप, पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत लगातार इस पूरे मामले को लेकर निगरानी रखे हुए हैं। सेना के कर्नल हैं, वो लगातार अपनी देखरेख में इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चला रहे हैं। और एक जो सबसे बड़ा पत्थर इस कुएं के अंदर गिरा था, उसको लगभग 8 घंटे के अभियान के बाद बाहर निकाल लिया गया है। अब मलबा और पानी तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उसके बाद संभावनाएं बनेंगी कि नरेंद्र को कब तक बाहर निकाला जा सकता है। ज्योति, बिल्कुल सुभाष, लगातार कोशिशें की जा रही है, लेकिन यहाँ भी कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही इसमें सामने आई है कि ठेकेदार ने लापरवाही की, सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल नहीं किया और वो कुएं में जा गिरा। और ज्योति, बताना चाहूंगा कि ठेकेदार की कहीं ना कहीं लापरवाही रही है। एक नाबालिग बच्चा कुएं तक चला गया और वो भी एक ट्रॉली के अंदर बैठकर अंदर जाने का प्रयास कर रहा था, जब भी ट्रॉली का हुक टूटा और वो मलबे के साथ अंदर जा पाता, और उसके कारण आज 12 दिन तक उसे तलाशने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन, यहाँ के जनप्रतिनिधि लगातार चिंतित है, परिजन पूरी तरह से परेशान है। इसके पिता का भी देहांत पिछले दिनों हो रखा है, इसलिए इसकी माँ, बेवा माँ है, वो काफी चिंतित नजर आ रही है।
सुभाष, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।